कुछ है, ए इक्वल टू बी प्लस ऑफ, बी इक्वल टू टू सी प्लस ऑफ, और फिर सी है थ्री डी प्लस ऑफ। अब क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर डी इन टर्म्स ऑफ ए। बड़ा तगड़ा सवाल है। देखो हमें तो असल में ए चाहिए, डी चाहिए द टर्म्स ऑफ ए। अब इसकी देखो आसान सी तरीके बताओ, ए बराबर बी प्लस ऑफ के पहले आप बी निकाल लो इन द टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि डायरेक्ट तो ए और डी की कोई इक्वेशन ही नहीं है। तो बी क्या हो जाएगा, ये प्लस वन है उधर जाके ए माइनस वन। अब देखो टू सी बराबर किसके था, बी, बी की जगह बी की वैल्यू ए माइनस वन अपॉन टू, और ये जो प्लस हाफ है उधर जाके माइनस हाफ। टू सी हो गया, अब माइनस हाफ और माइनस हाफ माइनस वन हो गया, ये टू मल्टीप्लाई इसे उधर ले जाके डिवाइड करेगा। सही है, ये अब सी आ गया इन द टर्म्स ऑफ है, हमारा टारगेट क्या है डी। तो अब देखो थ्री डी क्या हो जाएगा, ये प्लस हाफ भी उधर गया, सी माइनस हाफ। हाँ सही है। अब क्या करो, अगला स्टेप आखिरी, सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो ए माइनस वन अपॉन टू, ये थ्री इधर आके डिवाइड हो जाएगा इधर भी सिक्स सिक्स हो जाएगा बजाय टू के। सही है, अब दोनों का एलसीएम सिक्स हो गया। हाँ तो माइनस वन और माइनस वन ए माइनस टू, फाइनल आंसर है ए माइनस टू अपॉन सिक्स। देखो बात ये थी कि भाई हमें डी निकालना था इन द टर्म ऑफ ए, पहले जी बी को इन द टर्म्स ऑफ ए किया, फिर सी को इन द टर्म्स ऑफ ए किया, फिर डी को इन द टर्म्स ऑफ ए। फाइनल।